जैसे अभी आप देख रहे हैं हम लोग कहीं जा रहे हैं गाड़ी में बैठे हैं, जैसे ही मैं उठा था मतलब पापा को फोन आया था क्योंकि एक पापा के दोस्त थे उनका इंतकाल हो गया बाइक एक्सीडेंट में हुआ ना, तो हमें मतलब जाना पड़ रहा है और पापा के कोई करीबी दोस्त हैं बस हम लोग रास्ते में। और टाइम क्या हो रहा है बताना ज़रा, 12 बजे हैं और हम लोग रात ही रात मतलब निकल रहे हैं। मेरी वो वीडियो पे कॉपीराइट आया वो भी हटाना था मुझे, वो भी नहीं हटाया, वो हटने लगा लेकिन अभी ये ज़रूरी था क्योंकि हमें भी देखना पड़ेगा क्योंकि दोस्त है पापा के, तो हमें बस रात और रात हम लोग जा रहे हैं ज़रा, वो दूर है रास्ता भी। मम्मा अस्सलाम वालेकुम, सलाम तो कर लो पहले। ओके Close your eyes. आपको पता है जैसे कि हमारी तारी मिलाद वगैरह हो गई थी और हम लोग रात में एकदम से बाहर निकले थे क्योंकि पापा के दोस्त थे उनका इंतकाल हुआ था तो इसलिए हमको जाना पड़ा था। सभी यार तो उनका इंतकाल हो गया, सब लोग इतना दिखाई वही नहीं ले रहा थी क्योंकि एक्सीडेंट में हुआ था। तो बस यार अभी हम लोग जा रहे हैं जरा कोचिंग के लिए रेडी हो रहे हैं और मम्मा हमारी नाश्ता बना रही है। मम्मा हमारी नाराज थी, मम्मा हमें माफ़ कर दें, अभी कोचिंग जा रहे हैं क्या रास्ते में थप्पड़ मार दूंगी ऊपर में, अब माफ़ कर दें हमें। तुम अभी आधा चेंज कर लो, मम्मा को तंग करना छोड़ दो, ठीक है, बाकी माए नाराज नहीं। अभी आप माफ कर दें, क्या पता अभी रास्ते में ना चम्मच, सॉरी ओके। तो बाकी अस्सलाम वालेकुम, रास्ते में कर लिया था तो फिर से कर लेते हैं कोई बात नहीं। अरे ये क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, किसने मारा? नाम ने दिखाओ। इब्राहिम क्या खा रहे हो आप यार, क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम। क्या घुसा दो अबे साले जी फामा। हाँ मैं ये खा लेता हूँ तो बस जल्दी से मुझे रेडी भी होना है कोचिंग जाने, जल्दी से खाते हैं उसके बाद में। 2000 years later जी यार आपका भाई आ गया था कोचिंग से और अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है। मैं आया तो मम्मा रो रही थी, मैंने बोला मम्मा क्यों रो रही है, मम्मा बोली मुझे यहाँ जाना है। मम्मा अभी थोड़ा चुप हुई है और इब्राहिम आते के साथ कमरे में बैठ गया मम्मा नाते। एक सेकंड। तो यार आज का ब्लॉग आप काम चला लिया क्योंकि आज थोड़ा रूटीन सही हो रही है और इंशाल्लाह कल मम्मा मैंने ढूंढ लिया है कि हमें क्या करना है नेक्स्ट ब्लॉग में, तो मैं आपको बताऊंगा इस ब्लॉग के बाद, ठीक है। तो अभी बताएं आप क्या चल रहा है आपके दिल में, दिल और दिमाग में, आप देखें इंशाल्लाह अल्लाह ताला बुला लेंगे। बस अल्लाह ताला से यार इतनी मैंने दुआएं की है कि अल्लाह पाक 2023 के हज में मेरी पूरी फैमिली का नाम इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इस बार मुझे हज पे जाना है। देखें बार बार नहीं रोते अच्छी बात नहीं होती है। इब्राहिम फातिमा बुला रही है, जाओ तो देखें टेंशन नहीं लें इंशाल्लाह हम लोग जाएंगे इधर। इतना मांगो कि बस अल्लाह कोई ऐसी घड़ी हो कि अल्लाह कबूल कर ले, सुन ले अल्लाह दुआएं इंशाल्लाह। कोई बात नहीं यार, देखें मम्मा इमोशनल हो जाती हैं। इलाही तू ऐसा मुकद्दर अता कर सदा शहरे मक्का। आपको पता है माँ आज जो टेस्ट हुआ मैंने कैसे दिया, मैंने याद तो नहीं किया था आपके सामने, टीचर ने बताया क्या, मैंने नमाज पढ़ी पहले असर की, मैंने दुआ मांगी कोचिंग में, मैंने बोला यार अच्छा सा टेस्ट हो जाए अल्लाह हमें वो, अब मैं गया टीचर ने बोला कि बेटा टेस्ट याद कर लो, मैंने फौरन याद किया, अच्छे बच्चे बन जाओ ना, मैं तंग कर रहे हो ना, मैं दो दिन से ना पढ़ने बैठ रहे हो ना मेरी कोई बात मान रहे हो। देखिए पढ़ने से क्या, पढ़ना तो आता है मुझे, देखिए मैंने दे भी दिया तो इट्स नॉट अ बिग डील। आप अहमद से बोलो कि मम्मा की मम्मा ताला लगा देती है, क्रिकेट खेलने जाने नहीं देती है, उस दिन के बाद थोड़ा मजा आता है, ऐसा नहीं होता कि ये घर में कैद। आप लोग बताए जरा, आप तो बड़े हो गए तो इसलिए बड़े हो गए तो मतलब माँ के लिए बच्चे हमेशा छोटे, क्रिकेट खेलने तो इंसान नहीं, यहाँ का माहौल बिल्कुल ठीक नहीं है, मेरा दिल नहीं मानता। तो बस इंशाल्लाह कुछ खाना वाना खाते हैं, पापा भी अभी गए हैं। नहीं ब्लॉग आप यहीं पर एंड कर लो, वो देखो मेरे इब्राहिम की दुकान, आप सबने दुआ करनी है अल्लाह। हाँ ये इसका सामान बाद में बरकत दे, इब्राहिम ने काम शुरू किया स्टेशनरी का माशाल्लाह। अच्छा जी, तो अभी इसके साथ मैं लगूंगी मेरे बच्चे की हेल्प करूंगी। तो अभी इतनी जल्दी कहाँ एंड करनी है, अभी तो कुछ बना ही नहीं है, वो बोर हो जाएंगे। ये कह रही हूँ कि दूसरा ये कहना मैं चाह रही थी कि आप लोगों के सबके बहुत कमेंट आए, इतने सारे कमेंट आए कि नाना नानी और मामी नहीं आए, तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि ऐसा क्या हो सकता है कि मैं अपने जो है मैके वालों को ना बुलाऊं, कि आप लोग ये मान सकते हो कि मैं उनके बगैर कोई प्रोग्राम करूं, मैं अपनी माँ के बगैर कोई प्रोग्राम करूं, क्या ऐसा मुमकिन है?
तो मैंने सबको इनवाइट किया था, अपनी बहनों को भी इनवाइट किया था, अपनी भाभी को भी, अपनी अम्मी को भी, मगर बस मैं इसका जवाब जो है ना सिर्फ एक छोटी सी नात है, उसके बहुत प्यारा सा कलाम है, तो मैं उसमें आपको दूंगी कि महबूब की महफिल में, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, तो बस जिनका आना अल्लाह ने लिखा था वो सब आ गए। और कितने सारे लोग तो अहमद हमारा व्लॉग देख कर आए। अच्छा। और मुझे बाकायदा आके कहा है कि हमने आपका व्लॉग देखा है आंटी, और हम आपके घर मिला दे, हमें पता चला तो हम आ गए। अच्छा। तो बस यही सारी चीजें थी। देखिए यार, मम्मा ने बैठे बैठे इतनी बात कर दी, तो इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में हम लोग कुछ करते हैं, देखते हैं यार। देखें, आपको बोर तो करना नहीं है, आपका एक है लिया हुआ, इन्हें बोर कर नहीं सकते। इब्राहिम की दुकान सजाते हैं ना, चले इसकी दुकान वगैरह सजाते हैं। ये रोजाना ऐसे ही सोता है कि वो इनके बाबा आ गए ऑफिस से, तो मैं लगाने लगी हूँ दस्तरखान। चलो फातिमा, बाबा के लिए दस्तरखान लगाइए, मम्मा की हेल्प करें। चले शाबाश, गुड गर्ल, पूरा नहीं आधा। अब हम निकालेंगे रोटी का डब्बा, हमने रोटी बना ली थी, मैंने पहले ही रोटी बना ली थी। आराम से रुको फातिमा, आराम से। और हम अब निकालेंगे स्टैंड, ये रखो फातिमा जिसपे हम रखते हैं, बस 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 स्टैंड। ये खोरम, इस कैबिनेट को पता नहीं क्या हो गया, हालांकि मैंने सही किए, लेकिन आप इसको देखिएगा। और सालन मैंने गरम करने रखा हुआ, कल मैंने जो बनाया था ना चिकन और भिंडी, तो आज हम वही खाएंगे, और कल सुबह सालन बनाऊंगी कल के लिए। वैसे तो रोजाना रात में ही बनाती हूँ, लेकिन ये लीजिए रोटी भी रखें। फातिमा स्टैंड सही रखो ना बेटा, इधर रखो, फिर हम लाला के पास जा रहे हैं, लाला की दुकान देखते कहाँ तक पहुँची है। लाला ने क्या किया है। हाँ, मैं आपको तो लेके जाऊंगी, अपनी गुड़िया को लेके जाऊंगी। और उनका इंतकाल कैसे हुआ। चलो अहमद आ रहे हो, अहमद चलो आ जाओ, उठ रहे हो, उठो ना अहमद, चप्पल पहनो अपनी, ये एक्साइटमेंट बाहर जाने की। मैं सो रहा था, बस उठाया मम्मा ने कि बोले चलो खाना वगैरह खा लो, उठा के चलो लेके जाऊं खाना लेके आ गया। अरे कहना क्या चाहते हो, चले आ जाए, बस अभी चलते हैं जरा बाहर। मम्मा आप क्या करी थी, हैं नींद आ रही थी खतरनाक वाली यार, अब क्या करें, कुछ खाना लाते हैं, फिर एडिट भी करना है, जल्दी से अपलोड करना है, फिर सो जाऊं जरा। यहाँ पर ये आया हुआ था, इसकी दुकान यहाँ लगी हुई है अभी, ये पता नहीं क्या सेटिंग कर रहा है, क्या करो, कब से आया तुम। मैं तो टाइम से, बहुत टाइम हो गया मेरे को तो, 8:30 बजे से आया हुआ, 8:30 बजे से आया हुआ, और अभी 10 बजने, 10:11, कितना हो गया तुम्हारा काम तकरीबन, हो गया सारा, बस अभी अंदर रखनी है ये। हाँ, घर में जाके रखना। अच्छा, लेके तुम जाओगे, तुम लेके जाओगे, मैं तो जा रहा हूँ बेटा। तुम जा रहे हो, तुम मेरा काम है। हाँ नवाब हूँ, नवाब हूँ, क्या करोगे, नवाब हूँ मैं। कैमरा बंद करो फिर बता दो क्या करूँगा। अबे साले, मैं बताऊँ ना, कैमरे के अंदर भी नहीं कुछ कर सकते, ना कैमरे के पीछे कर सकते हो, समझ आई, ना कैमरे के अंदर कुछ कर सकते हो, ना कैमरे के पीछे कुछ कर सकते हो, समझ आई। इतने बड़े नहीं हुए अभी, बस यार जिनसे ये सेटिंग वगैरह करें, और खाना वगैरह हमें लेना है, तो इस ब्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मैं तुम भी कह दो, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। मम्मा आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बहुत सारा प्यार दें। तो अहमद के बाबा की दोस्त की डेथ हुई है, वो एक्सीडेंट में डेथ हुई है, और ऑन द स्पॉट वो ख़त्म हो गया था, बड़ा दुख हुआ। कम एज कम थी, ज़्यादा भी नहीं थी उसकी, तो उसकी मतलब रात में हम काफ़ी लेट भी हो गए थे। उसकी तदफीन उसके आबाई मतलब शहर में हुई, जहाँ उनका सारा ख़ानदान था। तो आप लोगों ने जो ना ड्राइव अपनी बहुत स्लो चलानी है, बहुत एहतियात से चलानी है, कभी जो है ना ड्राइविंग आप तेज़ ना करें, ये एक आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, कि बहुत आराम से एहतियात से गाड़ी चलाएं, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है और ज़िंदगी बहुत कीमती है। तो बस इसी के साथ कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, नमाज की पाबंदी करना, और दुआओं में हमें याद रखना अल्लाह। मम्मा आप भी ये देखो, ये देखो खड़ी हो, अल्लाह हाफिज़ बोलो जल्दी, अल्लाह हाफिज़। ये पुल अप ऑन यू लाइक एजेंसी, देता असरात मनफी, तुझ में डर है आई कैन सेंस इट।